हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने की चाह रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जिनको पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इन फार्मेसी में इस वर्ष एडमिशन लेना, यानी 2024 में एडमिशन लेना है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, उन तक ये जानकारी भी जरूर पहुंचाएं। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं कि 2023 में उत्तर प्रदेश शासन ने ये घोषित किया या उन्होंने ये एक रूल बनाया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन जो है वो केवल और केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा, या सिंपल शब्दों में कहें कि काउंसलिंग के माध्यम से ही होगा, यानी डायरेक्ट एडमिशन उन्होंने समाप्त कर दिया। फिर भी बहुत सारे ऐसे संस्थान रहे, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस रहे, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जिनको इसके बारे में बहुत अच्छी से जानकारी न होने के कारण उन्होंने वहां पर एडमिशंस लिया कॉलेजेस में, और अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका इनरोलमेंट होगा। फिर भी माने कि ये अब माने या ना माने, लेकिन एडमिशंस डायरेक्ट एडमिशन होने की संभावना बहुत ही कम है 2023 के जो बैचेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब काफ़ी समय हो गया पढ़ते हुए। तो 2024 के लिए लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। अगर बच्चे जो है वो 2024 में पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल है हमारा उत्तर प्रदेश का, जिसे हम संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद बोलते हैं, लखनऊ में है वो सिचुएटेड, उसने अपने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए, और इसको उन्होंने पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और अपने सर्कुलर के माध्यम से सभी लोगों के बीच में रख दिया है। तो उसी के संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और फिर से कहता हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, या और किसी स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, केवल उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूं, और आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इन फार्मेसी इन दोनों तरीके के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश में कराया जाता है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो आपको एडमिशन केवल और केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही मिलेगा। और इस प्रवेश परीक्षा में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अब अवेलेबल हो चुका है। एज पर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के अनुसार, उन्होंने अपने लेटेस्ट सर्कुलर में ये कहा है कि 8 जनवरी 2024 यानी आज से दो दिन पहले से ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जो कि 29 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। और इसके लिए जो वेबसाइट है वो है, नीचे लिख भी दे रहा हूं मैं, www.gcup.admissions.nic.in, यानी jeecup.admissions.nic.in, या सिंपल अगर आप गूगल पे जाकर के ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन CUP या उत्तर प्रदेश लिखेंगे, या jeecup अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको वेबसाइट जो है वो आसानी से मिल जाएगी। वहां पर जाने के बाद आपको अब न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये रजिस्ट्रेशन आपके आधार कार्ड्स के माध्यम से होगा। जो एप्लीकेशन फीस है इस एग्जामिनेशन के लिए वो जनरल और ओबीसी बच्चों के लिए 300 रुपये, और जो हमारे SC ST बच्चे हैं उनके लिए 200 रुपये निर्धारित की गई है। यानी फीस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको फॉर्म भरना होगा, और मार्च में, अभी जो नोटिफिकेशन है हो सकता है डेट आगे पीछे हो जाए, लेकिन अभी नोटिफिकेशन के हिसाब से 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में आपका एक कंप्यूटर पर आधारित MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन भी होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको बैठना और वहां पर 0 मार्क्स से ज्यादा लाना अनिवार्य होगा एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं। तो एक बात और फिर से क्लियर कर दूं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति ही बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए आपको पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकता है, अगर वो इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, 8 जनवरी 2024 से ये फॉर्म्स शुरू हो चुके हैं, जो कि हमारे वेबसाइट, जो जीकप की वेबसाइट है उस पर उपलब्ध हैं। वहां पर आपको जाना है, सिंपल फॉर्म है, आपने अपनी जानकारी भरनी है और अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप पॉलिटेक्निक के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फॉर्म भरने की आखिरी तिथि जो है वो है 29 फरवरी 2024। हो सकता है कि आगे चल करके डेट बढ़ जाए, लेकिन आप आखिरी दिनों का बिल्कुल भी इंतजार ना करें, आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें। और
फिर भी कुछ इंस्टीट्यूट में, जहां मैंने पहले कहा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनको जानकारी ना होने की वजह से उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन की आस लगा रखी है, तो उनको भी कम से कम अपने आप को बचाने के लिए, अपने साल को ना खराब होने के लिए, उनको भी ये फॉर्म भर देना चाहिए ताकि उनको 2024 में ये एडमिशन्स जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाए। इन एडमिशन्स में आपको जो भी पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन्स अगर आपको लेने हैं तो आप जो है ये फॉर्म भरिए, एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। सिंपल, आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो आपकी जानकारी है उसी पर बेस्ड प्रश्न आते हैं, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, और उसकी तैयारी करके आप मार्च में जो एग्जाम्स होंगे, हो सकता है कि अभी तो ये टेंटेटिव डेट्स है, एग्जैक्ट डेट आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से बताई जाएगी, और उन एग्जाम्स डेट पर आप सेंटर पे जा करके उस पेपर को देंगे और उसके बाद ही आपको काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इन फार्मेसी के कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं या एडेड कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं, वो सभी इस काउंसलिंग प्रक्रिया के पार्ट हैं, और आपको वहाँ पर अगर किसी तरीके से फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इन सभी जगहों पर जो भी टीचर्स अवेलेबल हैं, जो भी वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। वो सभी आपके लिए काउंसलिंग हेल्प सेंटर के रूप में भी कार्य कर रही हैं। तो ये जानकारी उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन फार्मेसी या पॉलिटेक्निक कोर्सेज में एडमिशन लेना है इस वर्ष 2024 में। और याद रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन पिछले वर्ष भी नहीं हुआ, 2023 में भी और 2024 में भी डायरेक्ट एडमिशन होने की बिल्कुल भी संभावना नजर नहीं आ रही है। तो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा इन फार्मेसी 2024 में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी पहले आ गया है। हर बार ये फॉर्म जो है फरवरी या मार्च में आया करता था और लंबे समय तक चलता था, लेकिन जिसकी वजह से सेशन इत्यादि भी लेट होते थे, तो समय पर करने के लिए इस फॉर्म को पहले लाया गया है। तो अगर ये फॉर्म उपलब्ध है, जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस फॉर्म को भर देना चाहिए, क्योंकि वो सभी जानते हैं तैयारी उनकी अच्छी है तो इंटरमीडिएट तो वो पास हो जाएंगे, लेकिन अगर उनको पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो बाद में उनके पास कोई चांस नहीं रहेगा। तो ज़्यादातर बच्चों तक ये जानकारी जो है वो आप पहुँचाइए, ताकि उन बच्चों का भविष्य या उन बच्चों का जो एक साल है वो खराब ना हो और वो अच्छे कॉलेजेस में काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन ले पाए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। जो भी वेबसाइट्स इत्यादि की जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी सीधे लिंक से जा करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म इत्यादि जो है वो भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते वक्त या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको फेस आती है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, जिसके लिए मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।